उनमें दो डेथ्स परसों हुई थी और एक डेथ और 4-5 दिन पहले हुई थी। ये तीनों डेथ्स वो हैं जिसमें साइड डिजीज को मॉर्बिडिटी जो है वो बहुत सीवियर थी तीनों केसेस में। तो ऐसा अनुमान है कि डेथ को मॉर्बिडिटी की वजह से हुई है और शायद कोरोना इंसिडेंटल था, पर ये कहा नहीं जा सकता। तो उन जैसे एक केस है जिसमें किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था, वो 2-3 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट था और उसकी डेथ हो गई। तो ये कहना कि वो कोरोना से डेथ हो गई, ये थोड़ा शायद गलत होगा, लेकिन ये फैक्ट है कि 3 केसेस ऐसी डेथ हुई है जिनको कोरोना था। इन 3 में से 2 दिल्ली के बाहर के रहने वाले थे। अभी इस वक्त जितने भी हमारे केसेस पॉजिटिव आते हैं, 100% केसेस की हम जीनोम सीक्वेंसिंग करा रहे हैं। उसका हमारा मकसद ये है कि अगर कोई भी नया वेरिएंट अगर निकल के आए तो हमारे को पहले से पता चल जाए कि कहीं कोई चिंता का विषय तो नहीं है। तो 100% केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग करा रहे हैं। इस वक्त जो सबसे प्रिडोमिनेंट वेरिएंट आ रहा है वो है XBB.1.16। लगभग 48% केसेस में ये वाला वेरिएंट है और जो बाकी भी हैं उनमें भी इसी वेरिएंट के कुछ कुछ सब वेरिएंट्स हैं। इस वेरिएंट की 3 क्वालिटीज़ हैं। ये वायरल बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन ये सीवियर नहीं है बिल्कुल भी। ना तो इसमें कोई तेज़ सिम्टम्स हैं और ना ही इसमें ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है और ना ही इसमें डेथ्स की ज़्यादा चिंता है। तो सीवियरिटी इसकी कम है, लेकिन इवेजन टू इम्यूनाइजेशन है कि अगर आपने वैक्सीन भी लगवा रखा है तो ये उसका उसकी परवाह नहीं करता, ये उसके बावजूद भी ये इन्वेड कर जाता है। एक जो हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं कि सीवेज जो है उससे हम एडवांस में पता करने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोरोना तो नहीं आ रहा। तो मिड फेब्रवरी तक जितने हम सीवेज के 7-8 जगह से पूरी दिल्ली में सैंपल उठाते हैं सीवेज के और उनको टेस्ट करते हैं, पहले अगर कोरोना आता है तो पहले सीवेज में कोरोना डिटेक्ट होना चालू हो जाता है। मिड फेब्रवरी तक 0 कम्प्लीटली पूरे दिल्ली में नेगेटिव था। उसके बाद से धीरे धीरे पॉजिटिव कुछ कुछ सैंपल्स में आना चालू हुआ और पिछले 15 दिन में अब ये सीवेज में पॉजिटिव इसके वो निकल के आ रहे हैं। हमारी इसको लेके पूरी तैयारी है, वैसे तो कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कम अभी केसेस हैं और कोई सीवियरिटी भी नहीं है, लेकिन तैयारियों को देखते हुए हमारी 7,986 बेड्स हमारे अभी तैयार हैं कोरोना के लिए। इसमें ऑक्सीजन वाले बेड्स भी हैं, इसमें वेंटिलेटर बेड्स भी हैं, इसमें ICU भी हैं। 7,986 बेड्स हैं जिसमें से 66 बेड्स केवल ऑक्यूपाइड हैं। 66 RT-PCR के टेस्ट करने की हमारे पास सफिशेंट क्षमता है। लगभग 4,000 टेस्ट हम सरकारी लैब्स में करने के लिए हमारे पास क्षमता है और प्राइवेट लैब्स में तो 1,00,000 से ज़्यादा टेस्ट पर डे करने की क्षमता है। वैक्सीन भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक रहा, नेशनल एवरेज से ज़्यादा अच्छा रहा। 18 प्लस की कैटेगरी में तो लगभग सबको वैक्सीन लग चुकी है और 18 से निचली उसमें आए तो फर्स्ट डोज सबको लग चुकी है, सेकेंड डोज भी 85% के लगभग लोगों को लग चुकी है। हमारे पास सफिशेंट एम्बुलेंस है, सफिशेंट ऑक्सीजन अवेलेबल है, सफिशेंट ऑक्सीजन स्टोरेज की कैपेसिटी है। 26 मार्च को हम लोगों ने 38 सरकारी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की खुद ब खुद एक मॉक ड्रिल की थी कि बाई चांस अगर हो जाए तो, और इसमें जितने मान लीजिए कोई इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा था, ऑक्सीजन वाली अवेलेबल है नहीं है, वैक्सीनेशन सारी चीज़ों की एक तरह से ट्रायल करके देखा था कि सारी चीज़ें काम कर रही है कि नहीं कर रही। अब केंद्र सरकार के निर्देश आए हैं, 10 और 11 अप्रैल को एक बारी सारे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके ऊपर दिल्ली सरकार एक कैंपेन चलाएगी, अब एक मीडिया कैंपेन चलाया जाएगा लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करने के लिए और एहतियात बरतने के लिए कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो किया जाए। एयरपोर्ट के ऊपर 2% के लगभग पैसेंजर्स को रैंडम टेस्टिंग की जा रही है और जितने भी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स हैं सबको बोल दिया गया है कि आइसोलेशन वार्ड्स कोरोना पेशेंट्स के लिए रखे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि किसी को बहुत सीरियस मान ली ILBS में किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उसको कोरोना हो गया, अब उसको कोरोना वाले हॉस्पिटल में नहीं ले जाएंगे हम,
वहीं पे अगर आइसोलेशन बेड होगा तो वहीं पे उसको एक अलग वार्ड में कर देंगे, तो उसका कोरोना का किडनी का भी ट्रीटमेंट होता रहेगा और उसका कोरोना। तो हर अस्पताल के अंदर एक आइसोलेशन वार्ड की तैयारी की गई है। जितने सारी केसेस हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज़ वाले, उनमें जैसे ही मरीज एंटर करता है हॉस्पिटल में, उसको तुरंत मास्क दे दिया जाता है, उनको 100% उनके टेस्ट्स किए जा रहे हैं। और जितने इन्फ्लुएंजा वाले लाइक सिम्टम्स वाले पेशेंट्स हैं, उनको 5% उनके रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल दिल्ली में लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, सरकार पूरी तरह से नज़र रखे हुए और सरकार पूरी तरह से किसी भी इवेंचुअलिटी को फेस करने के लिए तैयार है। सर, बूस्टर डोज का क्या स्टेटस है, क्योंकि हमने देखा था कि जब कोविड था तो बहुत सारे लोग लेकिन अब बहुत कम हो गए, इक्के दुक्के लोग ही जाते हैं बूस्टर डोज। इसका क्या स्टेटस है अपना? सर, बूस्टर डोज अब नो लॉन्गर एडुकेटेड और अब जो है नहीं लगाई जाती। अभी मास्क की ज़रूरत, हम जितने भी जिनको भी सारी पेशेंट्स हैं जो कि इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हैं, इस तरह की सांस की बीमारी है, उनको हम सबको वो कहेंगे कि आप मास्क लगा के रखिए। लेकिन अभी केंद्र सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है और जैसे जैसे केंद्र सरकार गाइड करेगी हम उस पर स्टेप्स लेंगे। अगर ऐसी कोई जरूरत होगी तो हम समय समय पे करते रहेंगे। वी आर रिकमेंडिंग मास्क टू दोज हु हैव रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक सारी, ILI एटसेट्रा। एयरपोर्ट पे 2% कर दिए, ज़रूरत पड़ेगी तो बढ़ाएंगे, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो भी हम कर रहे हैं, देखिए सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज केंद्र सरकार के पास है एंड वी लुक अप टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर गिविंग गाइडलाइंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे जैसे केंद्र सरकार हमें गाइड करेगी हम उसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे। उसको आपको याद होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट से अलग कर दिया गया था कोविड को, सो नाउ दिस इज़ नॉट बीइंग मॉनिटर्ड बाय DDMA और NDMA। थैंक यू। All right, Chief Minister Arvind Kejriwal there speaking on the surge in COVID-19 cases, especially in Delhi, going on to say that the new variant spreads fast but is not severe.